टीकमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके बाद भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार और जनसंपर्क तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टीकमगढ़ लोकसभा सीट से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का नाम घोषित होते ही जिले भर में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में जिला महामंत्री अभिषेक खरे निवाड़ी अंतर्गत टहरका पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गहन चर्चा की गई। वहीं पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत कर नई रणनीति तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है। बैठक के दौरान जिला महामंत्री अभिषेक खरे, मंडल अध्यक्ष सुरेश तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष रणधीर सिंह दागी, मंडल महामंत्री दिनेश दुबे के साथ तमाम स्थानीय वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो टेहरका ग्राम में बैठक चल रही है, ये संपूर्ण जिले में भारतीय जनता पार्टी की ग्राम केंद्र नगर केंद्र की जो रचना है, उस रचना के हिसाब से पूरे जिले में 11 मंडल हैं। 11 मंडलों पर कोई ना कोई जिला स्तरीय कार्यकर्ता या पदाधिकारी बैठक लेने में व्यस्त है। ये चूँकि ये बिगुल बज चुका है, लोकसभा की तैयारी है शुरू हो गई है, उसके अंतर्गत हम सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, बैठना, आगे की रणनीति बनाना, ये सब प्रक्रिया है जो चल रही है, इसी के संदर्भ में बैठक थी और ये क्रम अभी लगातार 2 दिन चलने वाला है निवाड़ी में भी। टहरका से रफत जाफरी की रिपोर्ट।